कैसे भाई हो? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, मैंने इस भाई को ओपन चैलेंज दिया था, भाई उसके बाद भाग ही गया। मतलब जय फिर। भाई के चैनल पर जिसका नाम है रेसल ब्रैड। दोस्तों आज आपका भाई राहुल पंडित आया है। रेसल स्क्वायर एक एकेडमी है यहाँ पर नोएडा में, तो यहाँ पे मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ यहाँ के सबसे बड़े हील सुपरस्टार जिनका नाम है वेनमस। 6'2" हाइट है उनकी और वेट उनका तकरीबन 180 पाउंड के आसपास है। ये है भाई यहाँ के सबसे बड़े हील सुपरस्टार। जैसे कि आप देख सकते हो उनकी आंखों में कितना गुस्सा है, और ये जब रिंग में आते हैं तो किसी को कुछ नहीं समझते, मतलब बंदे को उठा के पटक देते हैं बिल्कुल एक बाहुबली की तरह। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे मिलवाने जा रहा हूँ यहाँ के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जिनकी हाइट 6'2" के आसपास है और वेट 180 पाउंड, जिनका नाम है नील द हेक्टर। दोस्तों ये है यहाँ की एकेडमी के टैग टीम चैंपियन जिनका नाम है नील द हेक्टर। दोस्तों इनकी हाइट 6'2" है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इनका वेट 180 पाउंड के आसपास होता है। तो भाई अगर आपको डब्ल्यूई में जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किसके साथ फाइट करना पसंद करेंगे? अगर मैं डब्ल्यूई में जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे ड्रीम ओपोनेंट है ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग। द बीस्ट इन वनर ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ये तीनों मेरे भी फेवरेट सुपरस्टार है, डब्ल्यूई के बाहुबली हैं ये। और भाई यहाँ रेसल स्क्वायर जो अकेडमी है यहाँ के बाहुबली है जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सबसे बड़े जो हील सुपरस्टार है जैसे कि सेथ रोलिंस, मंडे नाइट मसाया, शिंसुका नाकामुरा, तो इनमें से अगर आपका मैच हो तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? सेथ रोलिंस, मंडे नाइट मसाया, सेथ रोलिंस के साथ।